नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप्रिया मेरे चैनल एजुकेशन सिटी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करें और वीडियो की ओर चलते हैं। और वीडियो ये मेरे सब्सक्राइबर के डिमांड पे है, ये मैं आपको बता देना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे। तो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए आपको तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और तो फिर चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है? प्लूटोनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम। आंसर होगा ग्रेफाइट। आंसर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मॉडरेटर का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रखता है? U-230, U-235, U-245, U-225। आंसर U-235। U-235 यूरेनियम का आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से कौन से देश के पास परमाणु हथियार हैं? लीबिया, इसराइल, ए और बी दोनों, न ए और न बी। आंसर सी दोनों, ए और बी। लीबिया और इसराइल दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। निम्नलिखित में से किस परमाणु कण में कम से कम द्रव्यमान है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। आंसर इलेक्ट्रॉन। परमाणु कण इलेक्ट्रॉन में सबसे कम द्रव्यमान होता है। कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती है या अधिक भेदने वाली शक्ति रखती है? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, उपरोक्त से कोई नहीं। आंसर गामा रेज। गामा रेज की किरणों के पास अधिक भेदने वाली शक्ति होती है। किन किरणों में मोशन पाए जाते हैं? बीटा रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, लेजर रेज। आंसर लेजर रेज। लेजर रेज में मोशन पाए जाते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन, फ्यूजन, ए और बी दोनों, न ए और न बी। आंसर विखंडन। थर्मोन्यूक्लियर बम विखंडन यानी फीजन सिद्धांत पर काम करता है। आइसोटोप क्या है? वो तत्व जिसमें बराबर संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। वो तत्व जिसमें बराबर संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन प्रोटॉन विभिन्न होते हैं। वो तत्व जिसमें सामान्य संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या वो तत्व जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर वो तत्व जिसमें बराबर संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। आइसोटोप वो तत्व है जिसमें बराबर संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। एक परमाणु विस्फोट के दौरान ऊर्जा निकलने के पीछे क्या कारण है? न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का रूपांतरण, हीट एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण, परमाणु ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन। आंसर ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन। एक परमाणु विस्फोट के दौरान ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। किसने बताया कि एक परमाणु का द्रव्य नाभिक में स्थित होता है? बोहर, थॉमसन, रदरफोर्ड, गीजर मार्सडेन। आंसर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया कि एक परमाणु का द्रव्य नाभिक में स्थित होता है।
तो दोस्तों आज आपने साइंस के बारे में जाना। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के डिमांड पे है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड ही थी आपकी। और एजुकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और देख रहे हो तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, इसमें आपकी कोई लॉस नहीं होगी, बिल्कुल बेनिफिट है इसमें आपके लिए, हेल्पफुल वीडियोज़ आएगी। और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलती हूँ, बाय, थैंक यू।